आपके बैच मर्ज भी हो रहे हैं शायद, शायद अगले वीक किसी से मैच हो जाए। हाँ तेजस, तेजस बैच से मर्ज हो जाएगा आपका बैच कंप्लीट। उसमें शायद 15-20 बच्चे ही बातें, उसमें 15-20 बच्चे ही बैठते हैं शायद। तो तेजस की एक क्लास पूरा एंगेज रहती है, एक पूरा टीचर एंगेज रहता, तो उसमें एक सेट फैकल्टी पूरी एंगेज रहती, और फिर बाद में वापस से फिल्ट्रेशन होगा। अच्छा चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बताइए रोहित, रोहित के डाउट को मुझे तुरंत बताना पड़ता है। हो गया ये, इसका फर्स्ट पेज नहीं है क्या? आप लगा लेंगे ना, हम बढ़ जाएंगे, आप लगा लीजिएगा। अच्छा वो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, इनिशियोमेरिक एक्सेस का निकाली आपने, सॉल्व किया कि नहीं किया? नहीं किया तो खैर वो क्वेश्चन कठिन माना जाता है, तो अभी नहीं हुआ। इनिशियोमेरिक एक्सेस डी और एल का परसेंटेज निकालना था, मिक्सर का ऑप्टिकल रोटेशन कितना था, मैंने शायद ऐसे कुछ बोला। मैंने शायद सवाल दिया था कि एक एक जगह पर किसी एक कंपाउंड के डी और एल आइसोमर दोनों रखे हुए हैं, ये सवाल था ना, इसमें डी भी है और एल भी है, दोनों है इसमें, इसमें डी भी है प्लस एल भी है, ओके। और फिर इसमें बोला था कि जो एल का परसेंट, एल का स्पेसिफिक रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एल ये है कितना, माइनस 13.5 है, और स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर ये है माइनस 9.72, ऐसे क्या था? तो आपको इसमें निकालना था कितना परसेंट डी है, परसेंटेज ऑफ डी परसेंट निकालना है और परसेंटेज ऑफ एल निकालना, आया समझ में आपको? तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो है थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन, एक आसान कैलकुलेशन, तो लेंदी वाला आप करिएगा, आसान वाला मैं करता हूँ ना। अल्फा मिक्सचर डिवाइडेड बाई अल्फा प्योर, गलत लिखा कि सही लिखा, प्योर इंटू सॉरी 100 था इज इक्वल टू डी माइनस एल डिवाइडेड बाई डी प्लस एल, यही ना? तो कुछ नहीं करना था बेटा, आप यहाँ पर ऊपर देंगे क्या कि माइनस 9.72, नीचे देंगे 13, और इसे सॉल्व इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप डी माइनस एल के बजाय क्या लिख देंगे, यहाँ पर एल माइनस डी, यहाँ एल पूरा मिक्सर माइनस, मिक्सर का रोटेशन किधर है बताओ, माइनस में है, अर्थात एल का परसेंटेज क्या होगा, मिक्सर का रोटेशन माइनस में होता है तो एल का परसेंटेज ज्यादा होता है, मिक्सर का रोटेशन प्लस में होता है तो डी का परसेंटेज, शायद आप जानते हैं इसको। तो इसको कैलकुलेट करने का ये तरीका था, ओके। अब मैं तो पूरा कैलकुलेशन टफ था, मैं इजी बताता हूँ आप इसे, ये क्या, ये ऑप्टिकल प्योरिटी है ना, ये क्या आपका ऑप्टिकल प्योरिटी और ये इनिशियोमेरिक एक्सेस दोनों इक्वल होता है ना, अगर आप इसको सॉल्व करिए, ये ऑप्टिकल प्योरिटी यहाँ पर निकाली, ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी आएगी, अल्फा मिक्सर डिवाइडेड बाई अल्फा प्योर इंटू 100, बोलो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 9.72 डिवाइडेड बाई माइनस 13.5 इंटू 100, सॉल्व करिए यहाँ पर, ये अल्फा इसकी प्योरिटी कितनी आई, निकाली मोबाइल कैलकुलेट करिए इसका प्योरिटी कितना आया बताओ, ये इसका ऑप्टिकल प्योरिटी मतलब कितना परसेंट लाइट, कितना परसेंट कौन सा आइसोमर लाइट को रोटेट करता, ये पता चल जाए कितना आया, 72। तो ऑप्टिकल प्योरिटी यहाँ पर आएगा 70% एल, ये कैसे पता चला, हमने ये एल शब्द क्यों लिखा, क्योंकि मिक्सर का रोटेशन किधर था बताओ, माइनस में था, अर्थात एल, तो एल का जो परसेंटेज है वो 72% ज्यादा है, रेस्मिक मिक्सर से 72% एल ज्यादा है, जो बचा हुआ, अच्छा ये है आपका ऑप्टिकल प्योरिटी, या इसी को इनिशियोमेरिक एक्सेस भी कह सकते हैं, 72%। अच्छा रेस्मिक मिक्सर कितना हो जाएगा, रेस्मिक मिक्सर इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस, बोलो इनिशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 72 इज इक्वल टू 28%, ये रेस्मिक। अच्छा रेस्मिक मिक्सर में डी भी होता है और क्या होता है, एल भी होता है, डी का परसेंटेज कितना हो जाएगा 14%, एल का परसेंटेज कितना हो जाएगा 14%। अच्छा एल पहले ही 72% ज्यादा था और प्लस 14% एल हो गया, तो एल का परसेंटेज कितना हो गया 86%, डी का परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये ठीक ये जुआ है, आपने क्या निकाला, उल्टा का उल्टा चले, ऑप्टिकल प्योरिटी मतलब, ऑप्टिकल प्योरिटी मतलब वो प्योर आइसोमर कितना है, प्योर आइसोमर कितना है बताओ यहाँ पर, प्योर आइसोमर 72% है, डी है कि एल है, कहाँ से पता चलेगा, क्योंकि मिक्सर का रोटेशन माइनस में है था तो एल है। अब जो बचेगा 72% में जो बचेगा वो सब रेस्मिक मिक्सर होगा, तो बचा कितना 28%, तो एल पहले से 72% है और रेस्मिक मिक्सर में 14% है, 72 और 14 को जोड़ने पर परसेंटेज ऑफ एल पता चल जाए, क्या समझ में आया, या परसेंटेज ऑफ एल क्या हो जाएगा 86 और परसेंटेज ऑफ डी क्या हो जाएगा, बोलो दैट्स ऑल। चलो इसी के साथ आपको ये, अब हम बात करते हैं आगे, ये आपने कर लिया होगा मुझे कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे एग्जाम में 2 या 3 का आइडल तक आता और वो हम चाहें तो दिमाग से कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, मैक्सिमम 2 या 3 वेरिएशन आते हैं, 2 या 3 टाइटल कार्बन के आते हैं, परंतु आपको बुक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस में ढेर सारे टाइटल कार्बन का मिल सकता है तो आपको परेशानी होना, लेकिन फिर भी एक बार हम जान लेते हैं कि अगर मान लिया ढेर सारे टाइटल कार्बन तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो अगर आपसे कोई पूछे मॉलिक्यूल है जैसे कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, स्टीरियो आइसोमर में कौन कौन होंगे, कन्फर्मेशनल हम काउंट नहीं करते, स्टीरियो आइसोमर में या तो कन्फर्मेशनल होता है या तो ज्योमेट्रिकल होता है या तो ऑप्टिकल होता है, कन्फर्मेशनल हम काउंट नहीं करते क्योंकि उसकी संख्या ऑलवेज क्या होती है इनफाइनाइट, हम काउंट किसको करते हैं हमेशा, किसको करते हैं ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल को काउंट करते हैं, तो जब भी कोई आपसे टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछे तो मतलब वो पूछ रहा है कि उसमें कितने ज्योमेट्रिकल हो सकते हैं या कितने ऑप्टिकल हो सकते हैं या दोनों कितना मिला के हो सकता है, तो आपको कितने वेरिएशंस बना सकते हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल में आइसोमर बताने के लिए ईजेड का प्रयोग करेंगे, आप ईजेड का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए कितने अलग अलग नाम लिख सकते हैं, और ऑप्टिकल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइडल कार्बन है तो वहाँ आर एस की संभावना होगी, आर और एस समझ करके कितने नाम आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक टाइडल कार्बन सिर्फ टाइडल, इसमें मुझे बताइए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, इसमें सिर्फ होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सिर्फ टाइडल कार्बन पर, तो अब आपको यहाँ ऑप्शन लिखने के, इसके नाम अगर हम लिखें एक टाइडल कार्बन है तो कितने ऑप्शन हैं, या तो ये आर हो सकता है या तो एस हो सकता है, तो जब भी कभी इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे 2R2 क्लोरोब्यूटेन या इसका नाम क्या होगा 2S2 क्लोरोब्यूटेन, आप इसका फोटो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे आपने लिखा यहाँ पर कितने ऑप्शन होंगे, आपने लिखा मिथाइल कार्बन यहाँ पर सीएल हाइड्रोजन दूसरा एक सीएल एक इसका मिरर इमेज, ये दोनों आपस में, ये पहला आइसोमर कौन सा है बताओ, ये एस है, ये 1 PRT ये 2 PRT, अभी रास्ता क्लॉकवाइज बन रहा है, फिर 4 वर्टिकल लाइन पर नहीं है तो उल्टा करेंगे,
अपनी का ऐसा आएगा ये 1 PRT ये 2 PRT जब 2 PRT ऊपर होता है तो आ रहा था ये याद है आपका इसका नाम होगा इसका क्या होगा बताओ आर। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं इस सवाल का जवाब दिया इसमें कितने ऑप्टिक कितने आयुष कितने स्टीरियो आइसोमर संभव है सुनो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव कितने ऑप्टिकल आइसोमर संभव कितने दो अच्छा कितने स्टीरियो आइसोमर संभव स्टीरियो उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि ज्योमेट्रिकल है कि ऑप्टिकल जो है वो काउंट करके बता दो तो दो ही होंगे नेक्स्ट कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर संभव ये दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी बेटा एक टाइडल कार्बन होता है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी दोनों ऑप्टिकली क्या होंगे एक्टिव ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है ये भी ऑप्टिकली एक्टिव फर्क क्या होगा ये अगर डेक्सट्रोरोटरी या प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा ये डेक्सट्रोरोटरी प्लस होगा तो ये माइनस एल होगा पक्का इसके टोटल एक्टिव आइसोमर कितने हो जाएंगे दो अब तो ही आइसोमर थे इनएक्टिव आइसोमर कितने हो जाएंगे जीरो मीजो आइसोमर कितने हो जाएंगे जीरो इस मॉलिक्यूल में कितने पेयर इनेंशियोमर बनाए जा सकते हैं 1 पेयर दोनों को मिला देंगे 1 पेयर इस मॉलिक्यूल में कितने पेयर डायस्टीरोमर बना सकते हैं जीरो डायस्टीरोमर कैसे बनाएंगे डायस्टीरोमर या तो एक्जैक्टली सेम होगा या तो अपोजिट कॉन्फिगरेशन बोलो तो आपने कितने मैंने यहां पर कितने सवाल पूछे सबका जवाब दे दिया पहला ये जी आइसो करेगा कि नहीं करेगा वाई कितने ऑप्टिकल आइसोमर समझ आ गया कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने इनएक्टिव आइसोमर कितने मीजो आइसोमर ये सारे भी लिखाऊंगा मैं जो बोल रहा हूं ना ये भी मैं लिखा दूंगा मीजो किसको बताते हैं बेटा मीजो की परिभाषा बताओ तो भूल गए तो आंसर गलत मीजो होने के लिए कंपाउंड शुड हैव टाइडल कार्बन प्लस प्लेन ऑफ नहीं एकदम एग्जैक्टली कुछ भी नहीं हमें इधर भी नहीं भटकना मीजो होने के लिए कंपाउंड में टाइडल कार्बन प्लस सिमेट्री होना चाहिए टाइडल कार्बन प्लस सिमेट्री चाहे पीओएस या सीओएस दोनों में से एक हो जाए वो मीजो कहलाएगा ठीक है तो मीजो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मीजो जीरो होगा कितने पेयर इनिशियल बना सकते हैं एक पेयर हां बोलो बेटा हां मीजो में दो टाइडल कार्बन ज्यादा देते हैं वो चलो ठीक है वो तो बाद में बात है मीजो कैसे पहचानते हो मीजो की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए मैं फिर डाइवर्ट हो गया क्या पूछा था हां कितने इनिशियल पेयर बनेंगे दोनों को मिला के एक ही पेयर तो बनेगा कितने अच्छा इनिशियल कितने पेयर रेसमिक मिक्सचर बना सकते हैं इसका आधा मिला दो इसका आधा मिला दो तो एक पेयर रेसमिक मिक्सचर होगा उसका नाम होगा प्लस माइनस 2 क्लोरो ब्यूटेन पक्का कितने इसके डी आइसोमर्स होंगे डी डेक्सट्रोरोटरी एक कितने लीवो होंगे पक्का जितने एक्टिव होते हैं उसका आधा डी होता है आधा क्या होता है आपने जवाब दे दिया कुछ क्या मुझे देने की जरूरत है यहां पर बताओ हमने न जाने कितने क्वेश्चन पूछ लिए सबका जवाब आपने दे दिया और अगर आप कॉन्फिडेंस रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो हर क्वेश्चन का जवाब देंगे और याद रखना जवाब देने के लिए एक्जैक्टली वो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कंडीशन यहां पर दो टाइडल कार्बन है अब दो टाइडल कार्बन है तो कैसे बताएंगे बताओ यहां पर अब हम इसके कंबिनेशन बनाएंगे इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 3 क्लोरो 2 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 6 3 क्लोरो 1 2 3 3 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन इस आईयूपीएसी नेम परंतु इसके नाम में कई सारे ऑप्शंस जुड़ सकते हैं जैसे यहां पर आर और एस की संभावना है यहां भी आर और एस की संभावना तो इनके आर एस बदलने से इनका नाम बदल जाएगा जैसे हो सकता है कि पहला वाला दोनों आर आर हो ये भी आर हो ये भी आर हो सकता है कि दोनों ये एस हो सकता है पहला वाला आर हो दूसरा वाला एस हो सकता है कि पहला वाला एस हो दूसरा वाला आर इन सबके नाम चेंज होंगे याद रखिएगा इसके लेफ्ट टू राइट नंबरिंग फिक्स है ये हमेशा 2 पे आएगा ये हमेशा 3 पे आएगा जब भी कभी नाम लिखेंगे तो यहां लिखेंगे 2R3R यहां लिखेंगे 2S3S यहां लिखेंगे 2R3S यहां लिखेंगे 2S3R बाकी इसका जो आईयूपीएसी नेम है इसके चार आइसोमर जहां पर कांटे सुखी है हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्यों क्योंकि अनसिमेट्रिकल है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री तो इसके ये जो पेयर होंगे आपस में इनिशियल हो जाएंगे ये दोनों पेयर इनिशियल हो जाएंगे डायस्टीरोमर पेयर कितना बना सकते हैं एक इसमें से इसके साथ एक इसमें से इसके साथ फिर इसको इसके साथ चार पेयर डायस्टीरोमर दो पेयर इनिशियल बना सकते हैं दो पेयर रेसमिक मिक्सचर बना सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव यहां पर सभी होंगे इनएक्टिव यहां क्या होंगे जीरो होंगे कर लेंगे आप लोग आप चाहे तो बना सकते हैं कोई बोले चारों बना के दिखाओ तो आप किसी भी दो को बनाओ जैसे आपने क्या किया यहां पर ये ऊपर मिथाइल लिखा फिर यहां पर सीएल लिखा यहां एच लिखा फिर यहां पर बीआर लिखा और फिर यहां पर एन प्रोपाइल क्या लिखा आपने तीन तीन कार्बन है तो ये C3H ये बना एक ये होगा दूसरा इसका मिरर इमेज होगा फिर सीएल और बीआर को अपोजिट करते हैं और इसका मिरर इमेज सारा इशू आपसे बनाने को पूछे तो दिखा दें कॉन्फिगरेशन को दिखा दें ऐसे ही ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है ऐसे ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल यहां भी आप बता सकते हैं आप लोग बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी एक काइडल कार्बन होगा तो दो आइसोमर्स होंगे या तो आर होगा या तो एस यहां पर तीन टाइडल कार्बन होता है तो ऐसे 8 आइसोमर बनते हैं कहीं पर 4 टाइडल कार्बन होता है तो 16 आइसोमर्स बनते हैं किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी सभी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे सब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे तो डी आइसोमर एल आइसोमर सब बता सकते हैं इसको फार्मूला में बदला जा सकता है लेकिन जब सिमेट्रिकल होता है देखिए इसकी नंबरिंग तो फिक्स है इसकी आईयूपीएसी मेथड से नंबरिंग फिक्स हमेशा इधर से नंबरिंग होगी इसकी नंबरिंग फिक्स हमेशा यहां से होगी क्योंकि एल्डिहाइड को महत्व अल्कोहल से क्या देते हैं ज्यादा इसमें एल्डिहाइड को महत्व अल्कोहल से क्या देते हैं ज्यादा देते हैं आईयूपीएसी मेथड से नंबरिंग फिक्स है लेकिन यहां पर जो है यहां आईयूपीएसी मेथड से नंबरिंग इसकी फिक्स है इट कैन बी नंबर फ्रॉम राइट साइड एंड इट कैन बी नंबर फ्रॉम लेफ्ट साइड दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं तो ऐसे केस को सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहा जाता है ऐसे केस में हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी ठीक है पहले समझा रहा हूं फिर फार्मूला बना दूंगा कैसे बताएंगे यहां पर ये बीच से आपने सिमेट्रिकल अब ऑप्शन यहां पर ये भी आर एस होने की संभावना है ये भी आर एस होने की पक्का क्या क्या कंबिनेशन बन सकता है देखो ये आर होगा ये आर होगा एक तो ये संभावना है दूसरा ये एस हो दूसरी संभावना हो तीसरी संभावना ये आर हो ये एस हो ठीक है अच्छा इन दोनों में नंबरिंग आप लेफ्ट से करो या राइट से करो सेम आएगा इसकी नंबरिंग लेफ्ट से करो राइट से करो सेम आएगा पर इसकी नंबरिंग हमेशा लेफ्ट से की जाएगी क्योंकि जब सब कुछ सेम है तो नंबरिंग में आर को महत्व देंगे एस को महत्व नहीं देंगे तो यहां पर ये राइट से नंबरिंग इसकी गलत होगी इसको ऐसा नहीं कह सकते ठीक है उल्टा अगर हम यहां लिखते हैं एस लिखते हैं यहां आर लिखते हैं तो चूंकि ये ग्रुप सेम है तो इसकी नंबरिंग लेफ्ट टू राइट नहीं होगी इसकी नंबरिंग क्या होगी राइट टू लेफ्ट तो जब इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो आप लिखेंगे आर आर ठीक है इस कंपाउंड को एस एस इस कंपाउंड का आर एस यही लिखेंगे और इस कंपाउंड को आप आर एस ही लिखेंगे अगर आपने एसआर लिखा तो ये गलत माना रिपीटेड इसमें स्ट्रक्चर कितने बने बताओ अब कितने एक्टिव होंगे आप चाहे तो बना सकते हैं तीन आइसोमर देख लो आपको पता चलेगा मैं बना के दिखा देता हूं ये CWH है फिर मेरे पास फार्मूला भी है डोंट वरी आई हैव फार्मूला आल्सो ट्रिक जो आप एक्चुअली नाराज होते हैं ट्रिक के लिए नाराज होते हैं ना तो मेरे पास फार्मूला भी है परंतु जो एग्जाम आता है ना एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी एग्जाम का मोड चेंज हो सकता है और अभी कोरोना का इफेक्ट खत्म हो चुका है तो इसलिए अब क्वेश्चन बहुत आसान आने की उम्मीद नहीं आपको हर चीज को रटो लेकिन दिमाग से समझ के ये चार ऑप्शंस बना इधर देख हमने चार बना दिया आप मुझे बताएं ये दोनों ओएस राइट साइड फिर मिरर इमेज या अपोजिट फिर उसका मिरर इमेज इसमें मुझे बताएं ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ये ऑप्टिकली इनएक्टिव पक्का
ऑप्टिकली इनएक्टिव, और दो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड अगर मिरर इमेज होते हैं तो उनको आइडेंटिकल या होमोमर कहा जाता है। ये दोनों सेम है, होमोमर। देखो ये इसकी नंबरिंग, ये है आपका आर कॉन्फ़िगरेशन का, ये है आपका एस कॉन्फ़िगरेशन। इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे, वो जो है ऊपर से की। अच्छा इसकी नंबरिंग ये है आपका एस कॉन्फ़िगरेशन का, इसकी नंबरिंग आर, इसकी नंबरिंग नीचे से ऊपर। अच्छा एग्जैक्ट फिशर नहीं, इसका अगर आपको एग्जैक्ट फिशर बनाना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो यही चीज वापस में आइडेंटिकल हो गया, नहीं हो गया बताओ। क्योंकि एग्जैक्ट फिशर उसको कहते हैं कि अगर पहले कंपाउंड की मुंडी ऊपर है तो दूसरे की मुंडी ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर अगर इसका आर वाला कार्बन ऊपर है तो इसका भी आर वाले को रखना पड़ेगा ऊपर, तो साफ साफ आइडेंटिकल बन जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि दो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड मिरर इमेज हो, समझ मत, तो इसका मतलब आइडेंटिकल होंगे। अब इतना कौन समझाए, कौन समझा कि अपना फीडबैक खराब कर, इसे बढ़िया क्या कर दो, सीधे बता दो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड मिरर इमेज है तो आइडेंटिकल बोल दो। यहाँ पर बताओ इसमें कैसे बताएंगे, इसमें कैसे बताएंगे, जल्दी से बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज है कि नहीं, बताओ पक्का। तो ये अलग होंगे, ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा बाई चांस है ना, ये डेक्स्ट्रो होगा तो पक्का ये क्या होगा, लीवो। ओके अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, इजाजत है पूछने की। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल आइसोमर्स, टोटल आइसोमर्स थी ऑप्टिकली एक्टिव तो पक्का वन पेयर। अच्छा इसमें मैं पूछूं इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये टोटल पक्का ऑप्टिकली इनएक्टिव, बोलो। इसमें मीजो पूछूं, मीजो कौन मीजो होगा बताओ, मीजो इसका नाम होता है टार्टरिक एसिड, मीजो टार्टरिक, और ये प्लस या डी टार्टरिक एसिड, ये माइनस या एल टार्टरिक पक्का जी। ये क्या चीज, क्या बोले, बोलो बोलो, हो गया डाउट ये, ठीक है मीजो हो गया। नेक्स्ट इसमें पेयर कितने पेयर इनिशियल पेयर बने, इनिशियल पेयर कितने पेयर, एक पेयर, कौन इनिशियल पेयर बताओ, ये दोनों। कितने पेयर रेसमिक मिक्सचर बनाएंगे, रेसमिक मिक्सचर एक पेयर। कितने आइसोमर डी होंगे या प्लस, बोलो एक। कितने आइसोमर एल होंगे या माइनस, और कुछ पूछ सकते। कितने पेयर डायस्टीरोमर बना सकते, दो पेयर, इन दोनों तो सेम है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, वो था पक्का साइड हो जाओ। अच्छा तो ये ऐसे कुछ भी सवाल पूछे जाए तो बता देंगे ना, बोलो। अच्छा इसी में अगर मैं इसे चेंज कर दूं, कॉपी कर लिया, कॉपी नहीं हुआ, ओके ये कॉपी कर लिया, ठीक है इसमें हमने परिवर्तन ये कर दिया, चेंज ये कर दिया, यहाँ पे सीएसटी कर दिया, ओके okay, अगर मैं इनमें पूछूं ये सवाल इसका है, ये इसका TWH TOH THOH इस तरह, ये सवाल कितने आइसोमर्स टोटल बने, कितने बताएंगे टोटल, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर मिरर इमेज होते हैं तो आइडेंटिकल नहीं होता, इनको इनिशियल पेयर कहा जाता है, ये इनिशियल पेयर होता है, ये भी इनिशियल पेयर हो गया। अब मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हो गए बताओ, सुनाई नहीं दिया, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, इनके नाम लगाऊंगे। आप आर एस निशान निकालिए, ये अगर आर है तो ये आर है, ये अगर एस है तो ये एस है, ये अगर एस है तो ये आर है, ये अगर आर है तो ये एस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर आर और एस एस है ये अलग है, यहाँ पे जो एस आर और आर एस है वो अलग माने जाएंगे, ये सेम ही माने जाएंगे पक्का, क्योंकि इसकी नंबरिंग पहले से फिक्स है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ऊपर है, यहाँ नंबरिंग हमेशा ऊपर से की जाएगी, या नंबरिंग हम आर एस पर महत्व नहीं देंगे, या नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के आधार पर की जाएगी। प्रैक्टिस देखो हमने क्या किया, दिमाग में इसकी प्रायोरिटी चल रही कि कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होगी नीचे वाले से, तो बस एक को डिसाइड किया, ऊपर चले गए, रास्ता क्लॉकवाइज बन रहा, उल्टा आ गया, तो ऐसा हो गया। ये मैं भी पहली बार करता था तो ऐसे एक एक करके करता था, लेकिन जब आप ढेर सारे क्वेश्चन से लड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जल्दी हो जाएगा, पक्का हो गया, बोलो। अच्छा इसमें बताओ, जैसे मैंने जैसे CWS लिखा, इसको मिटा दिया, CS3 कर दिया, तो पक्का इसका महत्व ऊपर वाले से कम हो जाएगा, तो जब कम हो जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाएगा, एक इंटर चेंज हो गया ना, ऊपर नीचे वाले ग्रुप प्रायोरिटी चेंज हो गई, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। अच्छा इसमें टोटल आइसोमर्स कितने होंगे अब बताओ, चार एक्टिव, चार इनएक्टिव, मीजो पक्का, अच्छा इनिशियल पेयर कितना, रेसिड्यू मिक्सचर डी एल। अब इसी को फार्मूला में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे, जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो, जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो तो वहां पर टोटल आइसोमर्स निकालने का फार्मूला होता है 2k/n, समझ में गया, सभी सभी n क्या है, ऑप्टिकल, अच्छा ऑप्टिकली एक्टिव हमेशा वही होंगे 2k/n, सारे सारे एक्टिव होंगे, इसमें एक भी इनएक्टिव नहीं होगा, और इसमें मीजो बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसको हम दो भाग में डिवाइड है, इसमें सिमेट्री पाई जा सकती है, याद रखना इसमें मीजो और ऑप्टिकली इनएक्टिव हमेशा क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाए। अब अगर आपको ए और एम टोटल पता चल गया, ए पता चल गया, तो इनिशियल हमेशा एक्टिव का आधा होता है, रेसमिक मिक्सचर भी आधा होता है, डी और एल आइसोमर भी हमेशा क्या होते हैं, आधा होते हैं, तो हमने क्या किया, मीजो हो गया, टोटल हो गया। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर या इनिशियल पेयर पूछा जाए, हमेशा ए बाई टू होता है। आपसे कोई पूछे डी या एल आइसोमर पूछे, तो हमेशा ये भी क्या होगा, ए बाई टू। ये ट्रिक है, इट्स अ ट्रिक, हम चूंकि फार्मूले का यूज नहीं करना चाहते तो हम ये फार्मूला आपको बताते हैं, लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाए, ये फार्मूला हो गया, अभी हम लिखाएंगे, आगे लिखा हुआ फार्मूला मत लिखो, ये आगे लिखा हुआ, सर आगे फार्मूला लिखा हुआ है, क्या ये फार्मूला, ये ट्रिक, ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, तो हम क्यों फार्मूला लगाते हैं, ये मैं जब इवन और वाला भी हम आपको यही समझा देंगे, सारे समझा देंगे, और आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देयर इज नो नीड टू राइट द फार्मूला, लेकिन पहले फार्मूला लगाते हैं तो हमसे थोड़ा नहीं, ट्रिक में हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम सही है कि गलत है, पर जब हम निकाल लेते हैं तो गारंटी सही है, तो कभी कभी आता है सवाल भी हम छोड़ देते हैं, आप माइनस ना हो जाए, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, ये फार्मूला आगे बताया, फार्मूला क्यों लगता है, अब इसमें फार्मूला कैसे लगाना, अब इसमें एक्टिव निकालने का, एक्टिव वहाँ तो 2k/4 था, यहाँ 3 ही है,
सॉरी टोटल इसमें निकालने का फॉर्मूला हम लगाते हैं यहां पे, टोटल इज इक्वल टू 2 के पावर n माइनस। अच्छा मीजो कैसे निकालेंगे, मीजो निकालेंगे 2 के पावर n / 2 माइनस। इट्स अ ट्रिक, ये बैठाया गया है 10 20 एग्जांपल को देख करके, ये ट्रिक बनाया गया, नथिंग मोर। अब जब a और m निकल गया तो टोटल इसमें हमेशा क्या होता है, a और m एक्टिव इनएक्टिव मिला के यही तो था टोटल इसमें। सॉरी तो टोटल हो गया, मैं गलत लिखा यहां पे, ये गलत लिखा है, ये हो गया टोटल, ये n / 2 माइनस 1 ये एक्टिव हो गया। और टोटल इसमें हमेशा कितने होते हैं बताओ, a प्लस n, मतलब 2 के पावर n माइनस 1 प्लस 2 के पावर n / 2 माइनस, बस हो गया। अच्छा जो ऑड नंबर होगा उसमें स्यूडो कार्बन कार्बन आता है, जैसे मैं एक ऑड नंबर का बता दूं तो मैं बता देता हूं, अभी यहां कितने आइसोमर बताऊं जल्दी से बताओ, यहां टोटल आइसोमर कितने है आज तो, अरे यार ये भी चला गया, किसी को कंफ्यूज कर दो और कोई कंफ्यूज कर दो लेकिन थोड़ा सा रह गया, ये बीच में रह गया, वो दो बार मिट गया, वो पेन वहां दो बार चल गया, तो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, ये हो गया आर आर, ये एस एस, ये आर एस, ये एस आर रिपीटेड होगा, ठीक है। अच्छा आपके पांच चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बस 99% 95% ऑर्गेनिक खत्म, डीओसी आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन आईयूपीएसी और हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव, अगर ये पांच चैप्टर आपके कंप्लीट तो 95% क्वेश्चन 90% हो गया, बाकी एक क्वेश्चन केमिस्ट्री इनिबिटेड लाइफ, एक क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल और एक केमिस्ट्री प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो 5% उन्होंने रखा, चले हो गया। अब इसमें हमें कैसे बताना, सुनो ये सिमेट्रिकल था परंतु इसमें इवन नंबर ऑफ आइडियल कार्बन था, सिमेट्रिकल था, इट्स सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है बेटा, बट यहाँ n इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ इवन नंबर, ये भी सिमेट्रिकल है बट हियर n इक्वल टू ऑड नंबर, जहाँ पर सिमेट्रिकल में n ऑड नंबर होता है ना वहाँ पर स्यूडो आइडियल कार्बन आता है, क्या जाता है बताओ, स्यूडो, बना के दिखाऊं, हमें इसके अलग अलग नाम लिखने हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा इसके क्या चांसेस है आर और एस के, इसके क्या चांसेस है आर और एस के, इसके क्या चांसेस है आर एस, नंबरिंग इसकी दोनों तरफ से पक्का, ध्यान से समझो बेटा, इधर 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 भीतर बातें भाई, सुनो अपनी बातें बताना है ना, तुम लोग मेरी सुनने के लिए पैसे दिए हो। अच्छा इधर बहुत जरूरी, ये अगर आर, ये आर, ये आर, सारे आर हो गए, तो इसका आईयूपीएसी नहीं लिखेंगे, 2R, 3R, 4R, जो भी आईयूपीएसी नहीं लिखेंगे, हमने देखा S, 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 सब में S लगा देंगे आप, फिर अगला नाम हम लिखेंगे इधर R, इनको S, S, हो गया। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, गलत करते जा रहा हूँ, मैं गलती क्या करूँ, आप भी मेरे साथ कर रहे, बिल्कुल सही आपने बोला कि जब ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो बीच में काइडल कहाँ होगा, क्योंकि इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट तो सेम है ना, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो गया, तो काइडल कहाँ होगा, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच मेरा करेक्शन के लिए, है ना, ये इधर आर तो ये काइडल नहीं होगा, ये स्यूडो काइडल कार्बन, ये क्या है बेटा स्यूडो, ये इसकी काइडलिटी डिपेंड करती है कि लेफ्ट और राइट वाले काइडल कार्बन आर है कि एस है। अच्छा इधर एस, इधर एस, तो भी ये काइडल नहीं होगा, पक्का बात नहीं, प्लस इसमें अगर लेफ्ट वाला आर हो गया और राइट वाला एस हो गया तो इसके दो ऑप्शन हो जाएंगे, या तो आर हो गया तो एस, तो हमने एक बार इसको आर बना दिया और फिर एस बना दिया, इधर हमने क्या लिखा आर और एस, एक और ऑप्शन है। अच्छा सुनो अब नाम भी लिख लेते हैं, फिर ऑप्शन देखते हैं, इसका नाम लिखेंगे 2R और ये 4R, इसका नाम 2S 4S, ये 2R 3R 4S, इसकी नंबरिंग में 2R 3S 4S, इसकी नंबरिंग लेफ्ट से करो या राइट से डजंट मैटर, दोनों तरफ से, इसकी राइट से करो या लेफ्ट से, आर आई नहीं रहा यहाँ पे, इसकी नंबरिंग फिक्स है भैया, लेफ्ट होगी तो आर आर एस ही कहलाएगा, अगर आपने राइट टू लेफ्ट नंबरिंग किया तो गलत हो जाएगा, इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे बताओ, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो आर एस एस होगा, है ना, याद रखिएगा इसकी राइट टू लेफ्ट नंबरिंग जो है इनकरेक्ट होगी, आया, तो इसका नाम क्या होगा बता दो, जब आर आर, इसका नाम आर, सॉरी एस एस, इसका नाम होगा आर आर एस, ये आर एस एस, ओके एक और ऑप्शन है, बोलो क्या जी, इधर से एस कर दें, अगर हमने इधर एस कर दिया, ये हमारे पास स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर एस कर दिया और यहाँ पे आर कर दिया, तो बीच में काइडल कार्बन हो जाएगा, आर और एस होने के चांसेस है, बोलो, लेकिन इसकी नंबरिंग इधर से होने लगेगी फिर, और हम बोलेंगे इसे आर आर एस, हम पहले बोल चुके, और इसमें बोलेंगे आर एस एस, हम पहले बोल चुके, तो इसमें कुल चार आइसोमर्स, अब इसमें और घट गए, इसमें तो देखो इसमें कितने हो गए बताओ, चार आइसोमर, जबकि आठ होने चाहिए, आठ के स्थान पर क्या हो गया, चार हो गए, तो ये वाला रिपीटेड माना जाए, ये ऊपर वाले का है, काट दूँ उसको क्या, मैं यहाँ पे अगले पेज पर लिख लूँ क्या, समझ गए ना, अरे रुको रुको जुगाड़ करते हैं, कुछ जुगाड़ तो होगा, बिल्कुल 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 सही आपने बोला, यही दिमाग में मेरे भी आया था, और आपने जो है ये पहले कर दिया था, चलो हो गया, भूत लग रहा है ना, डिजाइनिंग लग रहा है ना, अब समझ आ गया ना, ये नीचे वाले जो पहाड़ के नीचे दबे हैं वो रिपीटेड ये नहीं होंगे ना, आया समझ में, तो इसकी कितने इशू मिलेंगे टोटल, बोलो चार, इसके टोटल इशू टोटल इशू चार, ऑप्टिकली एक्टिव बताओ, इसमें एक्टिव कितने होंगे, दो, इसमें दो में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, दो में प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव दो होंगे, मीजो भी दो होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी दो होंगे, आप इसका फोटो बनाएगा, आप इनका मॉडल बनाएगा, इसमें दो में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, बाकी में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी दो होंगे। अच्छा जब ए और एम पता चल गया तो बाकी चीजें, डी आइसोमर दो होंगे, डी आइसोमर कितने होंगे, सॉरी एक, डी आइसोमर कितना होगा इसका बताओ, एक, एल आइसोमर कितना होगा, एक, इनएनसोमर पेयर कितना होगा, एक, रेस्मिक मिक्सचर कितना होगा, एक, खत्म कर, पक्का, अगर मैं इसे पूछूं इसमें टोटल नंबर ऑफ मीजो आइसोमर्स, तो ज्यादातर बच्चे गलत करेंगे, टोटल आइसोमर्स इनएक्टिव आइसोमर्स, तो ज्यादातर बच्चे क्या कहें, गलत कर सकते हैं, टोटल आइसोमर पूछो तो चार आएंगे, लेकिन अभी इतने का क्वेश्चन आपके एग्जाम में तब पूछे जाएंगे, थोड़ा आप स्मार्ट हो जाएंगे, अभी ना, नेक्स्ट कर लेंगे आप लोग, अब ये वाला वही पीछे वाला क्वेश्चन हो गया नहीं, तो ये पीछे मैंने कॉपी किया था, तो वही है, बचपन में जब हम जो है क्या करते थे, खैर आप लोगों तो पेन पेपर से लिख रहे हैं, हमने क्लास वन जो पढ़ी है वो स्लेट पेपर,
देखो स्लेट तो उनके घर आते थे जो थोड़े पैसे वाले लोग होते थे, हम लोग तो लकड़ी की वो बना के जो है लेके जाते थे, गांव के लोहार बनाते थे लकड़ी का, उसे पेंट करके लेके जाते थे। इसमें बताएं, इसमें कैसे बताएं? कुछ लोग कह रहे कितने पुराने हैं सर आप, है ना? इधर ये कैसे बनाएंगे? इधर ये कार्बन, यहां पे देखो ये 1 2 3 4, लेकिन ये याद रखिएगा ये इवन कॉम्बिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब इसके कॉम्बिनेशन बनाने में हमें लग जाएंगे 5 मिनट, और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते जिसको हम 30 सेकंड ज्यादा समय दे सके, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। और ये सिमेट्रिकल तो है, पर इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, इवन है, तो इवन वाला फार्मूला लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अब आपको फार्मूला बता देता हूं, जो फार्मूला आपको लगाना है वो फार्मूला ये लगाना है जिसे आप याद कर लीजिए। कौन सा फार्मूला है? हो गया, अब आप चाहें तो बना सकते हैं। ये अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो टोटल निकालने का ये फार्मूला है। सिमेट्रिकल में दो केस हैं, एक जहां पर n इक्वल टू इवन नंबर होगा और जहां पर n इक्वल टू क्या होगा, ऑड नंबर्स होगा। इवन नंबर में टोटल इसमें 2n-1 होगा, और मी जो क्या चीज देखो यहां पर, हाँ ये फार्मूला चेंज है, ये फार्मूला में क्या चेंज है बताओ, इसमें ये ऑप्टिकली एक्टिव कर देते, ठीक है? एक्टिव आइसोमर्स कैसे निकालेंगे? 2n होगा, n-1, और टोटल इसमें टोटल आइसोमर्स कैसे निकालेंगे जल्दी से बताओ? टोटल आइसोमर्स निकालेंगे a+m, इसमें आपने ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, और ये मीजो होगा, और टोटल आइसोमर्स निकालेंगे क्या हो जाएगा a+m, थोड़ा सा चेंज हो गया। ओके, कर लेंगे आप लोग, ट्राई करेंगे आप लोग, तो चलो अब इस क्वेश्चन में लगा के चेक कर लें, ये तो आपके पास ही रहेगा। क्या चीज, कौन सा जी आई? नहीं, ये सारे वो केस हैं जिसमें सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो। अभी जी आई केस बताने बाकी, दूसरे केस जहां जी आई भी होता है, मॉलिक्यूल विच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओनली, जो जिसमें सिर्फ क्या होता है बताओ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या विच हैव काइरल एटम ओनली, वहीं पर ये फार्मूला लगा पाएंगे। ये बहुत कठिन पार्ट, आइसोमेरिज्म का सबसे कठिन पार्ट ये होता है, और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री होती सिमेट्री, और सिमेट्री थोड़ा विजुलाइज करने का तरीका होता है बस। हो गया, ये फार्मूला आप तभी लगाइएगा जब मॉलिक्यूल में सिर्फ क्या हो, वहां ईजेड होने के चांस ना हो, सिर्फ आइडियल कार्बन हो, याद रखिएगा। हो गया, आप इसे नोट कर लीजिएगा, आपके पास पड़ा हुआ है ये फार्मूला। ये देखो मैंने ऑलरेडी लिखा केस नंबर वन, बस केस नंबर वन मेन मॉलिक्यूल हैव ओनली काइरल एटम और सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की यूनिट हो तभी ये फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। ये ट्रिक है, परंतु आपको फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में या तो एक काइरल का आएगा या तो दो काइरल का आएगा, जिसे आप डायरेक्ट बता सकते हैं। एक्टिव 2n होगा, सभी इनएक्टिव 0 होगा, और एक्टिव पता हो गया तो सारी बात आप बता देंगे, समझ में आ गया। और जो इन जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे उसमें दो केस होंगे, एक में दो काइरल कार्बन, एक में 3 काइरल कार्बन, मैक्सिमम 3 काइरल तक के एग्जांपल्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर भी अगर कोई सवाल पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं, जैसे इसमें काइरल कार्बन कितने हैं, 4 की संख्या में है, ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर टोटल आइसोमर्स निकालने का फार्मूला 2n 2 4, मतलब 16 आइसोमर्स होंगे, समझ में आ गया। और इसमें मीजो या ऑप्टिकल इनएक्टिव हमेशा 0 होगा, इसमें सारे एक्टिव टोटल आइसोमर्स जो है वो सभी क्या होंगे, एक्टिव होंगे, और यदि आपने एक्टिव निकाल लिया तो DL रेसमिक मिक्सचर इनिशियल पेयर सब इसके आते होंगे पक्का। इसमें से दो आइसोमर ग्लूकोज भी होते हैं, एक होता प्लस ग्लूकोज एक होता माइनस ग्लूकोज, दो आइसोमर एक होता प्लस मेनोज एक होता एल माइनस मेनोज, दो और होते हैं जिसमें एक होता प्लस डी गैलेक्टोज दूसरा क्या होता एल गैलेक्टोज, ऐसे ही कुल 8 पेयर बनते हैं। कितने पेयर बनते हैं बताओ? 3 पेयर, मैंने नाम ले लिया, 5 पेयर आपके सिलेबस में नहीं। अच्छा, अब अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो एक तो 2 काइरल कार्बन वाला, एक 3 काइरल वाला, ये आपके एग्जाम में आता है, इसे आप याद रखिएगा, आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 काइरल है, तो आप चाहें तो फार्मूला लगा सकते हैं, जो आपने इवन वाला फार्मूला लगा रखा है, यहाँ पर याद रखिएगा। या n इक्वल टू क्या है, 4 है, जब भी आपसे एक्टिव पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे 2n-1 होगा, और ये निकालेंगे आप 2 4-1, मतलब 8 आइसोमर्स, ये तो होगा ना बताओ। इसमें एक्टिव कितने होंगे, 8, इसमें अगर आपसे मीजो पूछा जाए तो मीजो निकालने का फार्मूला 2 4-2-1, n/2-1 होता है ना, तो 4/2-1 मतलब 2 2, मतलब 4 आइसोमर्स, टोटल आइसोमर्स 2 ही गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, 2 1 आएगा, और ये 2 आइसोमर्स, तो टोटल आइसोमर्स में 10 होते हैं, 2 पेयर मीजो आइसोमर्स होते हैं, बाकी के 8 ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें से इनिशियल पेयर 4 पेयर बनेंगे, रेसमिक मिक्सचर 4 बनेंगे, बना लेंगे आप लोग ना। ये कुछ एग्जांपल थे जो मैंने कराए थे, ये फार्मूला था। ओके, ये जैसे यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये सिमेट्रिकल केस है, ये सिमेट्रिकल है जिसमें n इक्वल टू क्या है, इवन नंबर है, ये आप लगा लो, ये सिमेट्रिकल है, n इक्वल टू क्या है, यहां पर ऑड नंबर है, देख लो ये आपका सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4, इसमें नंबर राइट और लेफ्ट कहीं से भी कर सकते हैं, ये भी आपका सिमेट्रिकल है, n इक्वल टू इवन नंबर है। नेक्स्ट, ये अब अच्छा कहीं पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कहीं भी एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जिसमें किनारे वाले ग्रुप अलग अलग वैलेंसी रखा हो, ये एक्स एंड वाई, ये एक्स एंड वाई, तो ये पूरी यूनिट एक काइरल कार्बन के बराबर मानी जाएगी, एन इक्वल टू 1 माना जाएगा, क्योंकि ये भी ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव। तो इवन कॉम्बिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड हो या इवन कॉम्बिनेशन ऑफ साइकिल हो और टर्मिनल कार्बन की वैलेंसी अलग अलग हो। अच्छा, जीआई के कैलकुलेशन से सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं हुई है, लेकिन जीआई की कंडीशंस वगैरह से सवाल पूछे जाएंगे, है ना, सवाल टफ होंगे, आसान नहीं होंगे, थोड़े बहुत टफ नहीं होंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ का एक्जैक्ट कंडीशन पता है, आपको रीजन पता है, तो आप सवाल का जवाब दे सकते हैं, अधूरा ज्ञान है तो सवाल गलत हो जाए, फिर के साथ आएंगे तो सवाल गलत हो जाए, ठीक है। यहाँ पर इवन कॉम्बिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड है और ये साइकिल है, नंबर पाने के लिए मत पढ़ो,
चीजों को सीखने के लिए और क्वेश्चन टेस्ट में बैठते हैं तो हमें क्या कमियां रह गई हैं उसको देखने के लिए टेस्ट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इवन कम्बिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड साइकिल को भी एक एन के बराबर माना जाएगा। तो अगर हम आपसे पूछें तो यहाँ पर ये एक आइडियल कार्बन के बराबर माना जाएगा। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स दो होंगे, इसमें मीजो आइसोमर्स जीरो होगा और टोटल आइसोमर्स इसके दो होंगे। इसके डी आइसोमर एक होगा, एल आइसोमर एक होगा। समझ आ गया, रेसमिक मिक्सचर एक पेयर, इनिशियल पेयर एक पेयर बनेगा। ऐसे यहाँ पर पूछा जाए जैसे किसी मॉलिक्यूल में इवन कम्बिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड हो प्लस काइडल कार्बन हो तो यहाँ पर एन इक्वल टू क्या तीन माना जाएगा। ये पक्का अनसिमेट्रिकल हो गया। इसका जवाब आसानी होगा, 2^3 मतलब 8 आइसोमर्स होंगे। इसमें मीजो हमेशा जीरो होता है। अब बाकी ए और एम पता हो गया तो सारी चीजें पता कर लो क्या, क्योंकि यहाँ प्लेनर सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं होती ना। तो जैसे एक काइडल कार्बन में पीएस सीएस नहीं होता ना, वैसे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। इट्स लुकिंग लाइक वन काइडल कार्बन। हाँ, इवन ऑड वाले में सिमेट्री हो जाएगी, सिर्फ इवन वाले को काउंट करेंगे और वो भी तब जब टर्मिनल कार्बन की वैलेंसी अलग, जब टर्मिनल कार्बन की वैलेंसी, अगर टर्मिनल कार्बन की वैलेंसी सेम हो जाए तो भी हम इसको काउंट नहीं करेंगे। मैं लिखाया तो हूँ सारा को, है ना। अगला ये, अब जैसे यहाँ पर हम आपसे बात करें, ये इसमें आपको बताना है, अभी आपके एग्जाम में तो नहीं आता। ठीक है, क्या बेटा? हाँ, कंटिन्यू वही जो जी आई और वाई में आपने पढ़ा था। ठीक, यहाँ पर बताओ, दो रिंग यहाँ पर डायरेक्टली लगातार लगे तो एन इक्वल टू 1 माना जाएगा, एन इक्वल टू 1। यहाँ पर दो रिंग है तो एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू यहाँ पर 3 माना जाएगा। सारे आंसर ये 18 वाले 19 के होंगे। यहाँ पर बात करें थोड़ा सा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, ये एग्जाम में पूछा जा चुका। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं, ये जेई में पूछा जा चुका है, तो अब मुझे तो नहीं कराना चाहिए। एक क्वेश्चन जेई का करा देता हूँ, बाकी आपको तीन काइडल कार्बन तक याद करना। इसमें ये काइडल कार्बन है कि बताओ, ये वाला ये काइडल है, ये नहीं है। अरे ये अलग ग्रुप नहीं दिख रहा है? अच्छा 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 अच्छा, धोखा हो गया। ओके, ये काइडल, ये काइडल है, ये काइडल है, ये है, ये है, ये है। तो 1, 2, 3, 4, 5 काइडल कार्बन, यहाँ एन इक्वल टू 5 हो गया। तो टोटल आइसोमर्स 2^5 मतलब 32। सभी एक्टिव होंगे इसके, सारे आइसोमर्स क्या होंगे? एक्टिव, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल हैव नो पीएस एंड सीएस। तो सभी क्या होंगे इसके? 32। मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। रेसमिक मिक्सचर 16 पेयर, इनिशियल 16 पेयर, डी आइसोमर 16 होंगे, एल आइसोमर 16 होंगे, सब बता सकते हैं इनमें। देखिए, अब हम उनकी बात करेंगे जिसमें जैसे अगर किसी में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुए, दोनों प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मैं आपसे पूछूं इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, इसमें मैं पूछूं टोटल ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर जीरो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो, एक या तो ई होगा या तो क्या होगा, जेड। समझ में आ गया? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे और दो होंगे, एक के नाम के आगे ई लगाएंगे और एक के नाम के आगे जेड, जिसमें सिर्फ टाइटल कार्बन है। तो ये ऐसे, इसके बारे में हम बात करें तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। बेटा मैं पूछूं इसमें जीआई, टोटल नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमर जीरो, ऑप्टिकल आइसोमर दो होंगे, कौन से दो होंगे? अभी आपने देखा था एक आर होंगे और दूसरा क्या होगा, एस। अच्छा, आप दोनों दो ही आइसोमर्स एक्टिव हैं तो आप टोटल एक्टिव है, मीजो जीरो है, तो बाकी सब आप बता सकते हैं। इसको इसको लिख सकते हैं सिस्ट्रांस, बट ईजेड हर जगह काम करता है, सिस्ट्रांस हर जगह काम नहीं करता। कभी आपको अगर पीआरटी चुनना हो तो ईजेड कम है तो सिस्ट्रांस पे ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि सिस्ट्रांस हर जगह नहीं बोल सकते, ईजेड हर जगह बोल सकते। यहाँ पर हम क्या बताएं, अब यहाँ से ई और जेड होने के चांसेस हैं और यहाँ आर और एस होने के। तो अगर पूछे ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस। ये जीआई शो करेगा, यस। मैं सवाल पूछ सकता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो बोथ जीआई एंड वाई बोथ? तो ये अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, आपको बताने के लिए, इसमें टोटल आइसोमर्स बनाने के लिए आपको कंबिनेशन बैठाना पड़ेगा। कंबिनेशन बैठाने का क्या तरीका होता है, याद रखिएगा। हम इसे मानेंगे कि भाई एक बार इसको जेड मान के इसको दो वेरिएशन करेंगे, एक बार ई मान के वेरिएशन करेंगे। तो हम मानते हैं कि माना ये जेड है, तो ये क्या हो सकता है, आर। फिर जेड है तो क्या हो सकता है, एस। पक्का दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, बताओ, ई और आर। नेक्स्ट क्या होगा बोलो, यस। बस चार आइसोमर्स, टोटल आइसोमर्स चार। अच्छा, इसके टोटल आइसोमर्स चार, ऑप्टिकली एक्टिव पूछो तो बोलो चारों एक्टिव, क्योंकि चारों के नाम तो अलग है ना, और चारों में प्लेनर सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं हुई। चेक कर लो, अब आप उस काइडल कार्बन के आधार पे बोलेंगे सर यहाँ दो है तो यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव दो होंगे? नहीं, ज्यादातर बच्चे ऑप्टिकली एक्टिव से दो ही बोलेंगे, क्योंकि ये काइडल कार्बन देखे बोलेंगे, ऐसा समझना होगा। पर ये चारों नाम अलग होंगे बेटा, तो इसकी ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, चारों। मीजो कितना होगा, जीरो। बस एक्टिव और मीजो पता हो गया तो बाकी सब बता देंगे, इसमें एक भी मीजो नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव जीरो होगा। काइडल मॉलिक्यूल पूछे तो कितना होगा बताओ, काइडल मॉलिक्यूल सारे एक्टिव काइडल होते हैं, सारे एक्टिव काइडल होंगे, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, चार। काइडल मॉलिक्यूल चार, रिजॉल्वेबल मॉलिक्यूल चार, पक्का, जिनको रिजोल्यूशन कर सकते हैं। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, अब किसी को देखो, अब थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर ये काइडल कार्बन चार कैसे हो सकता है, अगर डाउट होना तो इन चारों को बना लो घर पे, अभी आपके पास बहुत समय है, 5 महीने में तो हम दुनिया पढ़ सकते हैं, 7 महीने में हम दुनिया पढ़ सकते हैं, 4 महीने बहुत। इधर जैसे आपको डाउट हो रहा है सर ये कैसे ऑप्टिकली एक्टिव है, इसे बताओ, तो अगर डाउट हो रहा हो और एक्सपर्ट नहीं है आप, तो आप इसके स्ट्रक्चर को बना लिया करो। बनाना आता है ना आपको? बनाना तो आपको आता है, बना तो आप लेते हैं। जैसे मैं इसका पहले जेड बनाइए, ये देखो जेड, जेड यहाँ पर मैंने ये वेज पर लग दिया सीएल, फिर हमने जेड डैश पर लग दिया सीएल। एक्चुअली ये छेड़ा नहीं जाता, बता नहीं जाता बच्चों को, क्योंकि फिर वो बच्चे जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर देते हैं ना। हमें एक बड़ी इंस्टीट्यूट में कहा जाता था पढ़ाने के लिए, कई बैचेज होते थे, तो मैं देखता था कुछ बैचेज में थोड़ी जो लास्ट के बैचेज होते थे उसमें ये पता होता था कि रिजल्ट नहीं आने वाला, तो हमें एक मैनेजमेंट कहता था इन्हें हमें रिजल्ट नहीं लेना, इन्हें खुश रखना। तो मैंने कहा आप इतना तो कर दो कि कम से कम वो किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में बीएससी तो निकाले, बीएससी में उसका एडमिशन तो हो जाए, किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस दे तो उसका बीएससी हो जाए, या अपना 12th अच्छे से पास कर ले, या कम से कम नजदीक तो पहुंच जाए, 400-500 नंबर तक पहुंच जाए, सिलेक्शन होगा। तो बोले एक्चुअली कुछ इनको खुश रखना, इनको गाना गाना है, इनको इंजॉयमेंट करना है, इनको टाइम पास करना है, बाकी सिलेक्शन वाले बच्चे तो हम लाते हैं कहीं से ला देंगे, बट यू हैव टू इन्हें इंटरटेन करना, बस ओनली इंटरटेन करना। मैंने कहा ठीक है सर, आपके लिए वो एक सिंपल सा बच्चा दिख रहा है, लेकिन मेरे लिए तो एक पूरा परिवार दिख रहा है, मेरे एक बेटा एक बेटी है, अगर दुनिया में सफल होंगे तो मेरा लास्ट मोमेंट एकदम बिगाड़ जाएगा, और मेरे बेटे और बेटी अगर सेलेक्ट हो गए सफल हो गए तो मेरा लास्ट मोमेंट अच्छा हो जाएगा। मेरे अगर वो अकेला सेलेक्ट होगा तो पूरे अपने माँ बाप को खुशियाँ देगा, अपने भाई बहन को खुशियाँ देगा, अपने रिलेटिव को भी खुशियाँ देगा, ताकि उसके उसको देख के लोग मोटिवेट हो। आप उसे सिंपल क्यों मानते हो, आप उसे कम से कम इतना तो करो कि वो मोटिवेट होकर बीएससी एमबीबीएस नहीं कर पाए तो बीएससी तो कर ले,
बीएससी करके नेट गेट क्वालिफाई करके भी प्रोफेसर बन सकता है। उसे ज्ञान तो मिलना चाहिए, आप उसको एथेंटिक पढ़ाओ, उसे खुश मत करो। समझ में आया चाहिए उसे छोड़ने का रीजन भी होता है। देखो मेरे को तो आप मेरे बच्चे नजर आते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए जितना चिंतित हूँ आपके लिए भी चिंतित हूँ। और यहाँ पर हमें पता है कि कहाँ कब बेवकूफ बनाया जाता है, कब बेवकूफ नहीं बनाया जाता। इसलिए मैं अपनी बेटी को 9th 10th में किसी कोचिंग एडमिशन ही नहीं करा, इन द सेल्फ पढ़ो। लेकिन 11th 12th में कराना पड़ता है, मैं ऑनलाइन पढ़ो और मैंने छाट लिया भाई ये लेक्चर पढ़ो, बस ये लेक्चर पढ़ो बस। ओके यहाँ पर बताएं कैसे बताएंगे, ये काइगल कार्बन है, वो जेई की प्रिपरेशन कर रही तो हाँ क्रिकेट खेला, बोला हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, उसके लिए थोड़ा टेंशन का विषय तो है, बोलता हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आप अपनी व्यवस्था कर लो। ठीक है भाई तू खेल ले, ढंग से खेल तो ले भाई, वो मेरे पे गया है ना, उसकी मम्मी तो गोल्ड मेडलिस्ट थी लेकिन वो तो पढ़ी लिखी है, अपने अपने जमाने में मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट तो वो तो इधर मेरा नंबर कम आता था, सिल्वर आता था कम आता था, लेकिन मैंने ठाना था गोल्ड आना तो चाहिए चाहे जैसे, गोल्ड तो चाहिए चाहे जैसे चाहिए, ऐसे अब ऐसे जो इधर देखें छोड़े, ये ईजेड में ये जेड है कि नहीं बताया, ये जेड है और ये आपका एस कॉन्फ़िगरेशन का है, निकाल लीजिए ये एस है और ये आपका जेड है, ये आर कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये आपका जेड एस हो गया, ये जेड आर हो गया। और दूसरा ये क्या है बताओ, ये ई है, ई दिख रहा नहीं सबको क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन पर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप नीचे है, यहाँ पर ऊपर पक्का। और ये सीएल मैं बता दूँ, देखो इधर ये सीएल की प्रायोरिटी 1, इधर देखो इधर ये सीएल की प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 3, छिपा हाइड्रोजन 4 प्रायोरिटी का होगा, हमें कुछ करना नहीं, डायरेक्ट घूम जाना, हाइड्रोजन 4 प्रायोरिटी का है यहाँ पर, हम डायरेक्ट घूम जाएंगे एस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर एक हमने इंटरचेंज कर दिया तो आर जेड, बिना काउंट किए बताओ, एक निकालो एक बता दो, ठीक है ये ई रहा, ये क्या रहा बताओ जेड, मतलब कोई ग्रुप कहीं पर वेज है, डैश है, समझ में नहीं आ रहा, उसको वेज डैश पे चेंज करके निकालो, डैश को वेज बना लो, वापस चेक कर लो और तुरंत आंसर बता दो। सॉरी यार ये ई है, अब ये जेड जेड एस ये क्या हुआ बताओ, जेड आर ये क्या हुआ, ई एस, और ये क्या होगा यार, सबके आईयूपी से नेम चेंज होंगे, आप नाम लिख देंगे, इसका नाम आएगा 1 2 3 3 क्लोरो 2 ब्यूटी 1 2 3 4 5 2 पेंटिन, ऐसे सबका नाम लिखेंगे सेम है। अच्छा मुझे बताओ इसके सामने अगर मिरर रखें ऐसे तो यही इमेज बनेगा नहीं बनेगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बताओ, एनेशियमस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एनेशियमस पक्का, ये दोनों एनेशियमस हो गए, ये चार एनेशियमस है, इसमें प्लेन सिमेट्री है नहीं है, सेंट्रल सिमेट्री, ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव, तो ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, तो एनेशियम में पेयर दो बनेंगे पक्का, नहीं आसमान में डायस्टीमर पेयर कितने बनेंगे, जो मिरर इमेज ना हो आया समझ में, बना लेंगे, चलो एक इसमें से इन दोनों के साथ, उसका इन दोनों के साथ पक्का हो गया, चलो हो गया आपको बता दिया मैंने। अब ऐसे क्वेश्चन में भी आप चाहें तो टोटल आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला, अगर कोई अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना तो यहाँ पर भी ट्रिक है, इसमें टोटल आइसोमर्स अगर आपको निकालना है ना तो टोटल आइसोमर्स निकालने का यहाँ पर भी फॉर्मूला वैसे ही है कि टोटल आइसोमर्स कैसे निकालेंगे, टोटल आइसोमर्स टोटल 2 के पावर x, एस क्या है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर यूनिट प्लस नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर यूनिट, याद रखना टोटल आइसोमर्स निकालना, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो इनएक्टिव 0 होगा, मीन जो अनसिमेट्रिकल में सारे क्या होंगे एक्टिव होंगे, सिमेट्रिकल होगा तो बना के चेक कर लें, टोटल हो गया है ना, और यहाँ एक्टिव क्या करेंगे, एक्टिव फॉर सिमेट्रिकल पर क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर टोटल क्या होंगे एक्टिव क्या होंगे, सारे होंगे 2 के पावर x, ये फॉर अनसिमेट्रिकल, किसके लिए बेटा अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल अनसाइलेंट, ठीक कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर टोटल आइसोमर्स चलो गया, यहाँ टोटल आइसोमर्स कितने निकलेंगे, यहाँ से इजेड जीआई यूनिट है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर यूनिट है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर यूनिट है, ये ऑप्टिकल आइसोमर यूनिट हो गया, तो यहाँ x इक्वल टू 3 होगा, तो टोटल आइसोमर्स कितना होगा बेटा 3 8 है ना, और सभी क्या हो जाएंगे एक्टिव, मीजो क्या होगा 0, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होगा 0, इनिशियल में पेयर डायस्टीरोमर आप निकालेंगे a/2 कर लेंगे, सिमेट्रिकल उसको कहते हैं जिसकी नंबरिंग मतलब दोनों तरफ से हम की जा सके या जिसको दो बराबर भागों में बांट सके, और इसकी नंबरिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट होगी, डबल बॉन्ड जैसे नजदीक है, यहाँ पर बताएं कैसे करेंगे, यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर सेम आंसर होगा, एक्स इक्वल टू 3 है, बस फर्क क्या है, यहाँ जीआई यूनिट 1 है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर यूनिट 1 है, और काइगल कार्बन ऑप्टिकल आइसोमर यूनिट यहाँ पर 2 है पक्का, यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर यूनिट 1 है, ये ऑप्टिकल आइसोमर यूनिट है, ऑप्टिकल आइसोमर यूनिट है, ऑप्टिकल आइसोमर यूनिट, कितने हो जाएंगे बताओ, एक्स इक्वल टू 4 पक्का, तो टोटल आइसोमर 16। एक और बात, कोई पूछे विच कंपाउंड्स हो जीआई जिसमें जीआई यूनिट होगी, विच कंपाउंड्स हो ओआई जिसमें ओआई यूनिट हो, बट विच कंपाउंड्स हो बोथ जिसमें दोनों काइगल कार्बन भी हो डबल बॉन्ड भी, पक्का ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप सुनो ये क्वेश्चन यहां तक तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही मॉलिक्यूल में, यहां पर एक सवाल और बता दूं फिर, एक ही मॉलिक्यूल में ढेर सारे काइगल कार्बन ढेर सारे बॉन्ड प्रेजेंट हो तो यहां नहीं कर सकते, यहां फार्मूला नॉट एप्लीकेबल है, एक साइकिल में दो से ज्यादा ग्रुप लगे हो तो यहां पर फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, व्हेन मोर देन वन काइगल एटम प्रेजेंट इन सेम साइकिल, मोर देन टू काइगल एटम प्रेजेंट इन सेम साइकिल, देन फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, तब यहां हमें बना के चेक करना पड़े, लेकिन इसको बना के हमें बनाना, फार्मूला सिर्फ एक जगह लगा, कहां लगा, एक जहां सिर्फ काइगल कार्बन था, ऑप्टिकल आइसोमर, वही फार्मूला आपके बुक्स में दिया, वही फार्मूला लोग आपसे पूछते हैं, जैसे आपसे ये वाला पूछ लेते हैं आप गलत कर देते हैं, मतलब मैं आपको इसमें पूछूं कि इसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे तो ज्यादातर बच्चे दो बताएंगे, क्योंकि एक काइगल कार्बन है तो दो एक्टिव होंगे, लेकिन इसकी 8 ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि जो काइगल कार्बन है वो 8 के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन में, वो इजी कर वो नाम अलग है, तो आइसोमर इसमें 8 होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो अगर मैं इसमें टोटल आइसोमर पूछूं तो हो सकता है ज्यादातर बच्चे बता दे, पर मैं पूछूं टोटल एक्टिव आइसोमर तो ज्यादातर बच्चे गलत बता सकते, आया समझ में आपको, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। अच्छा ये जब जीआई यूनिट और ओआई यूनिट दोनों प्रेजेंट हो और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो वहां पर भी ये फार्मूला काम नहीं करेगा, तो एक वो भी केस बता दूं कि आपको, व्हेन जीआई यूनिट प्लस ओआई यूनिट बहुत पसंद, एक्चुअली इतना वेरिएशन देखिए बच्चा पागल हो जाता है, परंतु अगर मैं वेरिएशन नहीं बताऊंगा तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाए, बताना मेरा फर्ज है, बाकी आप समझ में आए चाहे ना, अगर छोड़ नहीं सकता छोड़ दूंगा आपको जरूर हो जाएंगे, एक सवाल गलत होगा बोलेंगे मेरी कुछ गलती होगी है ना, व्हेन जीआई यूनिट प्लस ओआई यूनिट बोथ प्रेजेंट बट मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल,
सिमेट्रिकल बोले तो इसमें दो केस होगा. पहला केस व्हेन मॉलिक्यूल हैव नो स्यूडो काइरल एटम. अरे यार व्हेन मॉलिक्यूल हैव आपके एग्जाम में आएगा बस इसे टफ नहीं आएगा. ऑप्टिकल आएगा इसे यहां तक अगर आपको समझ में आता है तो बस आपके सिलेबस कंप्लीट है. वो थोड़ा एक्स्ट्रा है जी उसी नहीं आएगा ओनली आइसोमेरिज्म आएगा. व्हेन मॉलिक्यूल अभी खत्म आइसोमेरिज्म खत्म. व्हेन मॉलिक्यूल हैव स्यूडो काइरल एटम इधर देखो ये बेटा जैसे मैं ये पूछूं आपको इसका आपको ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है इट कैन बी नंबर फ्रॉम बोथ साइड तो इसमें आपको निकालना होगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ से आप निकाल सकते हैं. ये आर एस होने की संभावना है ये आर एस होने की संभावना है और ये ई जेड कंबिनेशन में बना रहा. देखो ये जेड कर दिया जेड करते हैं ई करते हैं जो भी करते हैं इसको जेड करते हैं ठीक है. तो इधर भी आर इधर भी आर इसको जड़ी रहने दें जेड इधर आर इधर एस इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे देखो लेफ्ट से करो या राइट से करो. देखो जेड तो ये डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से बराबर दूरी पे आएगा. ये बस ये कार्बन अलग लगाएंगे दोनों तरफ आर है तो नंबरिंग कहीं से कर सकते हैं. दोनों तरफ इधर आर है सॉरी दोनों तरफ एस है तो नंबरिंग किधर साइड से भी कर सकते हैं आप जल्दी का काम. हाँ 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 ये तो एस जेड एस और क्या कर सकते हैं बताओ. लेफ्ट वाला इसमें नंबरिंग इधर से करो इधर से करो आर तो आई नहीं रहा इसमें नंबरिंग इधर आर कर दें इधर एस कर दें तो नंबरिंग इधर होगी पक्का. तो इसकी नंबरिंग इधर से नहीं होगी. इसका नाम लिखेंगे हम आर जेड आर इसका नाम लिखेंगे एस जेड एस इसका लिखेंगे आर जेड एस. अगर हमने इधर एस कर दिया इधर जेड कर दिया ये आर कर दिया तो इसकी नंबरिंग इधर से हो जाएगी इधर से नहीं होगी तो नाम क्या हो जाएगा आर जेड एस. हम ऑलरेडी बोल चुके हैं ये रिपीटेड माना जाए हो गया बस. तो जब ये जेड था तो तीन आइसोमर जब ये ई था तो तीन आइसोमर समझ में आ गया. आप बता दो इसके टोटल आइसोमर्स होंगे आठ सॉरी 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 सिक्स. आपका एक होमवर्क है आपको पता करके आना इसमें मीजो कितने हैं करके आएंगे आप लोग मीजो कितने हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना है ये डिस्कशन होगा नेक्स्ट लेक्चर में. आइसोमेरिज्म के डिस्कशन होंगे पिछले पाप जितने हैं वो धुले जाएंगे ठीक है. अच्छा लास्ट यहाँ पर इधर देखें हमने इसमें उल्टा कर दिया. ये भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है इट कैन बी नंबर फ्रॉम बोथ साइड. अब हमें ये बीच का कार्बन सीडो काइरल हमें इसके कंबिनेशन बनाने नए नए नाम लिखने बस मुझे नए नाम लिखने ये जेड बताओ यार होगा नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट राइट के ग्रुप सेम हो गए तो यार नहीं होगा. नेक्स्ट अगला बताओ ये एस तो क्या यार होगा आर अरे यार ये ई और ये ई तो क्या ये काइरल कार्बन होगा नहीं हुआ. अच्छा जेड ई और जेड में प्रायोरिटी किसको देते हैं इसकी नंबरिंग लेफ्ट से करो या राइट से करो दोनों तरफ जेड आ रहा है इसकी नंबरिंग कहीं से करो दोनों तरफ ई आ रहा है. अगर हमने इधर जेड कर दिया और इधर हमने ई कर दिया इसके क्या ऑप्शन है ये आर भी हो सकता है और एस भी हो सकता है. हेलो तो इसकी नंबरिंग हमेशा जेड साइड से की जाएगी क्योंकि जेड का महत्व ई से क्या होता है नहीं जानते आपको जानते हैं आप लोग बस बन गए. अगला ऑप्शन क्या बनेगा इधर एस कर दें इधर ई कर दें इधर जेड कर दें तो बोलो फिर रिपीटेड हो जाएगा. ये कौन सा ये ई कहलाएगा जेड आर ई और ये भी कहलाएगा जेड एस ई पक्का. इसमें कुल कितने आइसोमर बने चार. इसके टोटल आइसोमर्स हैं चार. ये हो गया. अगर आपने इसका मीजो और इनएक्टिव दोनों बता दिया इनका इनका तो पक्का आपके नंबर 700 के ऊपर आ जाएंगे ठीक है. तो ये इसके टोटल चार है मीजो जीरो सॉरी मीजो जीरो नहीं टोटल चार है मीजो आपको बताना है ऑप्टिकल इनएक्टिव भी आपको बताना किसमें हाँ इसमें दो मीजो. चलो इसका तो बता दिया आपने नंबर आ रहे हैं आपके 690 पहुंचे हैं ना इसमें बता दो घर पर बता दो. एक काम करना इधर भी जेड इधर भी जेड इधर भी इधर भी फिर इधर जेड इधर ही करके चेक कर लेना. जहां पर पीवीएस सीवीएस होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव जहां नहीं होगा ऑप्टिकली क्या हो जाएगा एक्टिव खत्म कहानी. हेलो तो बस ये बताऊंगा और मुझे ये बताना है जहां पे फार्मूला काम इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम जब कंपाउंड में ढेर जब किसी एक साइकिल में ढेर सारे ग्रुप लगे हो तो सबका हम ईजेड बताते सॉरी सबके ज्योमेट्रिक आइसोमर लिखते हैं इसके सारे जीआई लिखते हैं और जो ज्योमेट्रिक आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए वो दो रूपों में होगा बस. लेकिन हम सिखाएंगे आगे ठीक है एक सिखा दूंगा तो आप